दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस एंड मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में बताऊंगी जिनके अस्तित्व का अभी तक पता तो नहीं चल पाया, लेकिन दुनिया की अनेक देशों के लोक कथाओं में उनका जिक्र मिलता है। फैक्ट नंबर 5, फिनिक्स बर्ड। फिनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र की लोक कथाओं में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है, और मिस्र के लोक कथाओं में लिखा है कि फिनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है, और इसकी पूंछ हरी नीली बैंगनी होती है। एक फिनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। और आपको ये जानकर भी अजीब लगेगा कि जब एक फिनिक्स का मरने का समय आता है तो वह खूबसूरत टहनियों का घोंसला बनाती है और उसी घोंसले में खुद को आग लगा लेती है। इसके बाद इसके राख से ही एक नए फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स के जितनी ही होती है, और मरते समय वो भी यही काम करता है। इसलिए इसे अमर पक्षी कहा जाता है, और ये सभी बातें इस लोक कथा में लिखी हुई है। फैक्ट नंबर 4, यूनिक्रॉन। यूनिक्रॉन एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसके शरीर का रंग सफेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिक्रॉन का जिक्र बहुत से देशों की लोक कथाओं में मिलता है, और इसी कारण से एक पवित्र जीव माना जाता है। माना यह तक जाता है कि ये घने जंगलों में कुंवारे लड़के और लड़कियों को दिखाई देता था। कहा यह भी जाता है कि इसके सिंह को स्पर्श करने से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। इसी वजह से पुराने समय के लोग गैंडे के सिंह को यूनिक्रॉन का सिंह बताकर बेच देते थे, और आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है। फैक्ट नंबर 3, ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देश की लोक कथाओं में मिलता है, खास करके चीन में। जिन पौराणिक किताब में ड्रैगन के बारे में बताया गया है, उस बुक्स के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसे दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और चार पैर होते हैं और मुंह से आग निकलता है। कुछ देशों की लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी देश में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है, और कहीं तो इनकी पूजा ही की जाती है। बहुत से लोक कथाओं में माना जाता है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं, बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांप, डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव है। लेकिन इन सब का कोई सबूत ना होने के कारण ये रहस्यमय और काल्पनिक जीव ही बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 2, मरमेड्स, जल परियां। जल परियां एक ऐसी समुद्री जीव है जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मछली का होता है, और इनके पास कुछ शक्तियां भी होती है। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जल परियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जल परियों को गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन सा गाना गाती है। और ये भी कहा जाता है कि जल परियों की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन इंसानों की तरह इनकी आत्मा नहीं होती। बहुत सी कथाओं में जल परियों और इंसानों के प्यार व शादी की बात भी बताई गई है। कहा जाता है कि कुछ अच्छी जलपरियाँ होती है तो कुछ बुरी जलपरियाँ होती है। समुद्र में होने वाली घटना जैसे सुनामी, तूफान, इन सब को जलपरियों से ही जोड़कर देखा जाता है। फैक्ट नंबर 1, वैम्पायर। वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में नहीं, बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है, और वैम्पायर से जुड़ी बहुत सी कहानियां मिल जाती है। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये आधी रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पीते हैं। वैम्पायर आखिर बन कैसे जाते हैं? माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी लाश के ऊपर बिल्ली लांग जाती है तो वो वैम्पायर बन जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है। जबकि कोई कहता है कि कोई वैम्पायर किसी इंसान को काट लेता है तो वह इंसान वैम्पायर बन जाता है। वैम्पायर के जन्म को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग है, उसी प्रकार इसे मारने के तरीके भी बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर के दिल के आर पर लकड़ी के खंजर से वार किया जाए तो वह मर जाएंगे, और सूरज की रोशनी में वह निकल नहीं सकते क्योंकि उनका शरीर जल जाएगा, और आग से जला देने पर वह मर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं अपनी वीडियोस जब भी अपलोड करूं वो आपके मोबाइल में जाए।